गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक सी मैट, स्नैप, टिस्नेट, एन मैट, सी टी एटसेट्रा। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के। आई सजेस्ट यू कि आप हमारा कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन, यूजली फॉर एवर। किसी चीज या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना, उसको बोलेंगे हम अबैंडन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दारू पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अबैंडन। मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अबैंडन। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उसको बोलेंगे हम अबैंडन। किसी चीज या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अबैंडन के सिनोनिम्स हैं गिव अप, लीव, फॉरसेक, डेजर्ट, क्विट, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का भी मतलब होता है टू लीव। जिल्ट, जिल्ट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव। डिसअपियर, डीकैम्प, डीकैम्प का भी मतलब होता है टू लीव अ प्लेस। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप। वेकेट, वेकेट का मतलब होता है लीव, रिजाइन, सरेंडर, डिच, ड्रॉप, फॉरगो। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है रिफ्यूज। सो गाइस, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, ये सारे थे इसके सिमिलर मीनिंग। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना, और ये सारे क्या है, लीव, गिव अप, क्विट, इवैक्यूएट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स है। सो गाइस, अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना। अब इसके अपोजिट मीनिंग्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे कंटिन्यू, पर्सिस्ट, सपोर्ट, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, कैरी ऑन, क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब होता है होल्ड ऑन, कीप, पजिस, परस्यू, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव। ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स, ये सारे थे इसके अपोजिट मीनिंग। अबैंडन सिंपली मीन्स किसी चीज या किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना। कंटिन्यू, सपोर्ट, एक्सेप्ट, ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब्रीविएट। अब्रीविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर, स्पेशली अ वर्ड और फ्रेज। कोई भी वर्ड को छोटा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखते, हम उसको छोटा करके लिखते हैं, उसको बोलेंगे हम अब्रीविएट। कोई भी वर्ड को छोटा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, में हमने यहाँ पे लिखा है मिस्टर का, हमने यहाँ पे लिखा है एम आर। बॉल वॉच का हमने यहाँ पे लिखा है बी एल वी डी। कॉरपोरेशन को हमने लिखा है सी ओ आर पी। माइल्स पर आर को हमने लिखा है एम पी एच। न्यूयॉर्क को हमने लिखा है एन वाई। हमने बड़े वर्ड को छोटा कर दिया, उसको बोलेंगे हम अब्रीविएट। टू मेक समथिंग शॉर्टर, स्पेशली अ वर्ड और फ्रेज। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अब्रीविएट के सिमिलर वर्ड्स होंगे अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट इन, शॉर्ट कर देना। कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है टू रेड्यूस, शॉर्ट इन। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है रेड्यूस कर देना। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का भी मतलब होता है रेड्यूस कर देना। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज का मतलब होता है शॉर्ट इन, कट शॉर्ट, कंट्रैक्ट, कंप्रेस। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है शॉर्ट इन कर देना। कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कंप्रेस कर देना। श्रिंक, समराइज, एब्स्ट्रैक्ट, प्रिसाइज, सिनोप्साइज। सिनोप्साइज का मतलब होता है समराइज कर देना। डाइजेस्ट, लेसन, लेसन का मतलब होता है बिकम लेस। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। अब्रीविएट समथिंग, अब्रीविएट्स मीन कोई भी वर्ड को छोटा कर देना। सो गाइस, अब्रीविएट का मतलब होता है कोई भी वर्ड को छोटा कर देना। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अब्रीविएट के एंटोनिम्स होंगे एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ा कर देना, अपोजिट। अब्रीविएट का मतलब होता है छोटा कर देना। एंटोनिम्स हो गया एनलार्ज, एक्सपैंड, एक्सटेंड, इंक्रीज, एम्प्लीफाई, इलोंगेट, लेंथन, स्प्रेड, ऑगमेंट, इंक्रीज। ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग्स। अब्रीविएट सिंपली मीन्स
कोई भी वर्ड को छोटा कर देना, और ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स, एनलार्ज इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, अपोजिट वर्ड्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबेस। अबेस का मतलब होता है टू एम्बेरस और शेम समवन, किसी को नीचा दिखाना, उसको बोलेंगे हम अबेस। अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है अब बस कर भाई और कितना नीचा दिखाएगा, इसको बोलेंगे हम अबेस, किसी को नीचा दिखाना। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, अबेस के सिनोनिम्स होंगे कास्ट डाउन, डीबेस, डीबेस का मतलब होता है रिड्यूस वंस वैल्यू, डीग्रेड, डिसऑनर, हम्बल, डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएट, लोअर, मॉडिफाई का मतलब होता है एम्बेरसमेंट, रिड्यूस, डिसक्रेडिट, डीमीन, बीलिटल, डीमोट, ब्रिंग लो। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। अबेस सिंपली मींस किसी को नीचा दिखाना, कास्ट डाउन, डीग्रेड, डिसऑनर, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। सो गाइस, अबेस का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अबेस के अपोजिट वर्ड्स होंगे एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है रेज वंस वैल्यू, ये हो गया इसका अपोजिट वर्ड, ऑनर, एडमायर, अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, क्राउन, डेकोरेट, ग्लोरिफाई, टू पे होमेज, प्रेज, रिस्पेक्ट, रिवर, रिवर का मतलब होता है फील डीप रिस्पेक्ट, वर्शिप, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, ऑनर, अक्लेम, एडमायर, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अबेस सिंपली मींस किसी को नीचा दिखाना, ऑनर, अक्लेम, एडमायर, रिस्पेक्ट, ये सब क्या होगा, ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, दिस सिंपली मींस टू रिड्यूस और टू डिक्रीज। अबेट सिंपली मींस टू रिड्यूस और टू डिक्रीज, किसी चीज को कम कर देना या कोई भी चीज कम हो जाना, उसको बोलेंगे हम अबेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे जब भी मेहमान आते हैं और उस टाइम बारिश पड़ रही होती है तो हम बोलते हैं बारिश कम हो जाएगी तो चले जाना, बारिश कम हो जाएगी तो फिर चले जाना, अबेट, कोई चीज कम हो जाना। अबेट सिंपली मीन्स कोई भी चीज कम हो जाना या कोई भी चीज को कम कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेकिंग पेन किलर्स कैन कॉज हेडेक्स टू अबेट, टेकिंग पेन किलर्स कैन कॉज हेडेक टू अबेट, पेन किलर लेने से हेडेक कम हो जाएगा, अबेट सिंपली मीन्स कम हो जाना। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, अबेट के सिनोनिम्स होंगे एलिविएट, एलिविएट सिंपली मीन्स टू रिड्यूस, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिडक्ट, डिमिनिश, डिस्काउंट, फॉल ऑफ, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है बिकम लेस, रीबेट, रिड्यूस, रिलीव, रेमिट, रेमिट का भी मतलब होता है टू रिड्यूस, स्लो, सबसाइड, सब्सट्रैक्ट, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है टू बिकम लेस। अबेट सिंपली मीन्स कोई चीज कम हो जाना या कोई भी चीज को कम कर देना, टू रिड्यूस और टू डिक्रीज, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। सो गाइस, अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस और टू डिक्रीज, कोई भी चीज को कम कर देना या कोई भी चीज कम हो जाना। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, अबेट के एंटोनिम्स होंगे इंक्रीज, स्ट्रेंथन, मैग्निफाई, फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो, एनहांस, डेवलप, एड, एक्सटेंड, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, अबेट का मतलब होता है कोई भी चीज कम हो जाना या कोई भी चीज को कम कर देना, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, इंक्रीज, स्ट्रेंथन, एक्सटेंड, ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब होता है टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और अ पोजिशन, अपना पद त्याग देना, अपना पोजिशन त्याग देना, उसको बोलेंगे हम एबडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई किंग है,
एंड वो अपना पद त्याग देता है, उसको बोलेंगे हम एबडिकेट, अपना पद त्याग देना, अपनी जॉब रिजाइन कर देना। कोई मिनिस्टर है, वो अपना पद त्याग रहा है, रिजाइन कर रहा है अपनी पोजीशन से, उसको बोलेंगे हम एबडिकेट, टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और अ पोजीशन। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? एबडिकेट का सिनोनिम्स होंगे अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप, क्विट, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप, रिजाइन, रिटायर, सरेंडर, वेकेट। वेकेट का मतलब होता है लीव, फॉरगो, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है रेफ्यूज, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट सिंपली मीन्स टू रेफ्यूज। एब्जोर, एब्जोर का मतलब होता है छोड़ देना, रिजेक्ट, डिसओन, रेफ्यूज, कास्ट असाइड। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। एब्डिकेट सिंपली मीन्स अपना पद त्याग देना, अपनी जॉब से रिजाइन कर देना, उसको बोलेंगे हम एब्डिकेट। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। सो गाइस, एब्डिकेट का मतलब होता है अपना पद त्याग देना, अपनी जॉब से रिजाइन कर देना। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? एब्डिकेट की एंटोनिम्स होंगे ज्वाइन, मेंटेन, होल्ड ऑन, कीप, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू हैव, अकंपनी, एड, अधीर। अधीर का मतलब होता है टू बी अटैच्ड, अफिलिएट। अफिलिएट का मतलब होता है टू बी अटैच्ड, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है अकर एट द सेम टाइम, कंबाइन, कनेक्ट, एनलिस्ट, एनरोल, साइन अप, यूनाइट, मर्ज। ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। एब्डिकेट सिंपली मीन्स अपना पद त्याग देना, अपनी पोजीशन त्याग देना, रिजाइन कर देना। ये सारे क्या हो गए? जॉइन, मेंटेन, कीप, एड, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है टू टेक होल्ड ऑफ समबडी एंड टेक हिम हर अवे इनलीगली। अबडक्ट सिंपली मीन्स किसी को किडनैप कर देना, किसी का अपहरण कर देना, उसको बोला जाता है अबडक्ट। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अबडक्ट के सिनोनिम्स होंगे किडनैप, कैरी ऑफ, रन अवे विथ, मेक ऑफ विथ, अबड्यूस, स्पिरिट अवे, सीज, स्नैच, स्टील, हाईजैक। हाईजैक सिंपली मीन्स अनलॉफुली सीज, स्काईजैक, कैप्चर। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। अबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप कर देना। ये सारे थे इसके सिमिलर वर्ड्स, स्टील, किडनैप, कैरी ऑफ। ये सब क्या हो गए? ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है। सो गाइस, अबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप कर देना, किसी का अपहरण कर देना। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अबडक्ट के एंटोनिम्स होंगे फ्री, लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है सेट फ्री, रिलीज, लेट आउट, लेट गो, डिस्चार्ज, अनचेन, रेस्क्यू, इमैंसिपेट। इमैंसिपेट का मतलब होता है सेट फ्री, डिलीवर, अनशेकल। अनशेकल का मतलब होता है टू रिलीज, अनफेटर। अनफेटर का भी मतलब होता है किसी को रिलीज कर देना। मैन्यूमिट, मैन्यूमिट का भी मतलब होता है रिलीज कर देना। सेट फ्री, अनयोक। अनयोक का भी मतलब होता है किसी को रिलीज कर देना। ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स, रिलीज, डिस्चार्ज, अनचेंज। ये सारे अपोजिट वर्ड्स है अबडक्ट के। अबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप कर देना, किसी का अपहरण कर देना। फ्री, डिस्चार्ज, ये सारे क्या होगा? ये सारे होगा इसके अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपैथी। अपैथी सिंपली मीन्स द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, उसको बोलेंगे हम अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है अपैथी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस मूवी, उसको बोलेंगे हम अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अपैथी सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अपैथी के सिनोनिम्स होंगे कोल्डनेस, कूलनेस, इम्पैसिविटी। इम्पैसिविटी मीन्स इमोशनलेस। इनर्शिया, इनर्शिया सिंपली मीन्स अनविलिंग टू डू एनीथिंग। इनडिफरेंस, इनसेंसिबिलिटी,
लेथार्जी. लेथार्जी सिंपली मीन्स अनविलिंग टू डू एनीथिंग. पैसिवनेस, स्लगिशनेस. स्लगिशनेस का मतलब होता है लेजी और लैक ऑफ एनर्जी. अनकंसर्न, अनइंटरेस्टेडनेस, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स. अपेथी सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन. ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स. सो गाइस, अपेथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन. लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है अपेथी. अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अपेथी के एंटोनिम्स होंगे कंसर्न, एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट, अटेंशन, क्यूरोसिटी, नोटिस, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, केयर, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस. ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग्स. अपेथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, अटेंशन, क्यूरोसिटी, ये सारे क्या है? ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स है, अपोजिट मीनिंग्स है. अपेथी सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपलॉड. अपलॉड मीन्स टू हिट योर हैंड्स टुगेदर नॉइजली इन ऑर्डर टू शो दैट यू लाइक समबडी और समथिंग. किसी के लिए खुशी से ताली बजाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो सब मिलके उसके लिए ताली बजाते हैं खुशी से, उसको बोला जाएगा अपलॉड. अगर कोई बहुत महान काम करके आता है तो सब मिलके उसके लिए ताली बजाते हैं खुशी से, उसको बोलेंगे हम अपलॉड. किसी के लिए ताली बजाना खुशी से, उसको बोला जाता है अपलॉड. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अपलॉड के सिनोनिम्स है प्रेज, एक्सटॉल. एक्सटॉल का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, कंग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, चीयर, क्लैप, अप्रूव, अक्लेम, यूलोजाइज. यूलोजाइज का मतलब होता है किसी को प्रेज करना. लॉर्ड, लॉर्ड का भी मतलब होता है किसी को प्रेज करना. अपलॉड का मतलब होता है ताली बजा के किसी को प्रेज करना, उसको बोला जाता है अपलॉड. ये सारे इसके सिनोनिम्स है. प्रेज, कंग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स. सो गाइस, अपलॉड का मतलब होता है किसी के लिए ताली बजाना खुशी से, उसको प्रेज करना. अब इसके अपोजिट मीनिंग्स क्या होंगे? अपलॉड के एंटोनिम्स होंगे कंडेम. कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल. सेंश्योर, सेंश्योर का भी मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल. डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, डिसअप्रूव ऑफ, क्रिटिसाइज, रिप्रोच, ब्लेम. रेप्रिहेंड, रेप्रिहेंड का भी मतलब होता है टू एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल. अक्यूज, इनक्रिमिनेट. इनक्रिमिनेट का मतलब होता है टू मेक समवन सीम गिल्टी. ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स. अपलॉड का मतलब होता है किसी के लिए ताली बजाना खुशी से, उसको प्रेज करना. डिस्पैरेज, क्रिटिसाइज, ब्लेम, ये सारे क्या है? ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स है. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटीपैथी. एंटीपैथी का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग और इज डिसलाइक. एंटीपैथी सिंपली मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक. किसी को ना पसंद करना, किसी को डिसलाइक करना, उसको बोलेंगे हम एंटीपैथी. फॉर एग्जाम्पल, माई एंटीपैथी टूवर्ड्स हिम is growing day by day. My antipathy towards him is growing day by day. My antipathy का मतलब क्या होता है? The feeling of dislike. मेरे अंदर जो feeling है वो dislike की, वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन उसके लिए. Antipathy simply means feeling of dislike. किसी को ना पसंद करने की feeling. अब antipathy के synonyms क्या है? Antipathy के synonyms है bad blood, disgust, dislike, distaste, enmity. Enmity का मतलब होता है feeling of opposition. Hate, hostility. Hostility का मतलब होता है opposition. Abhorrence, antagonism. Antagonism का भी मतलब होता है opposition. Aversion, aversion का मतलब होता है dislike. Animus, animus का मतलब होता है a feeling of hate. Loathing, loathing का भी मतलब होता है feeling of dislike. Repugnance, रिपग्नेंस का भी मतलब होता है डिसलाइक. एंटीपैथी सिंपली मीन्स किसी को डिसलाइक करना,
फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को ना पसंद करना, उसको बोलेंगे हम एंटीपैथी। ये सारे थे इसके सिनोनिम्स। सो गाइस, एंटीपैथी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? एंटीपैथी का एंटोनिम्स है अफेक्शन, सिंपैथी, लाइकिंग, फ्रेंडशिप, रैपर्ट, वार्म फीलिंग्स, डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लव, वार्म्थ, फॉन्डनेस, अमाइटी। अमाइटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस, केयरिंग, अटैचमेंट। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स। एंटीपैथी का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, लाइकिंग, फ्रेंडशिप, केयरिंग। ये सारे क्या है? इसके अपोजिट वर्ड्स है। सो गाइज, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है अडामेंट। अडामेंट मीन्स वेरी श्योर, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड। अडामेंट सिंपली मीन्स अड़ियल इंसान। अड़ियल इंसान को बोला जाता है अडामेंट, जो कभी भी अपना ओपिनियन किसी के लिए चेंज नहीं करता। अड़ियल, फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरे डैड अडामेंट है, वो अड़ियल है, वो हमेशा अपने ओपिनियंस पे अड़े हुए रहते हैं, वो कभी अपना ओपिनियन किसी के लिए चेंज नहीं करते हैं। उसको बोलेंगे हम अडामेंट, जो हमेशा अपने ओपिनियन पे अड़ा हुआ होता है, किसी भी हालत में अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता है, उसको बोलेंगे हम अडामेंट। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? अडामेंट के सिनोनिम्स है डिटरमाइंड, फर्म, फिक्स्ड, हार्ड, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल, इंसिस्टेंट, रिसोल्यूट, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, स्टिफ, स्टबन। स्टिफ स्टबन का मतलब होता है हार्श, टफ, इंट्रांजिजेंट। इंट्रांजिजेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज, अनशेकेबल, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का भी मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज डिसीजन, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। अडामेंट सिंपली मीन्स अड़ियल इंसान, जो हमेशा अड़ा हुआ रहता है, वो कभी अपना ओपिनियन किसी के लिए भी चेंज नहीं करता है। फिक्स्ड, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। सो गाइस, अडामेंट का मतलब होता है अड़ियल, जो हमेशा अपने ओपिनियंस पे अड़ा हुआ रहता है, वो कभी अपना ओपिनियन किसी के लिए चेंज नहीं करता है। तो अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अडामेंट के एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, हेजिटेंट, यील्डिंग, वेरिएबल, स्ट्रेची, स्प्रिंगी, मोबाइल, इलास्टिक, अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट, अग्रीएबल, अडैप्टेबल, एडजस्टेबल, अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है विलिंग टू चेंज ओपिनियन। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स। अडामेंट का मतलब होता है अड़ियल इंसान, ये सारे क्या है? अग्रीएबल, अडैप्टेबल, एडजस्टेबल, ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।